बोलने में भी, व्यवहार में भी, आचरण में भी दूसरों को खिलाइए। मेरे पास अगर दो रोटी है और सामने चार है तब भी कहूंगा बांट के खाओ, बांट के खाओ। रोटी दो है तो क्या हुआ, खाने वाले चार हैं तो क्या, अरे आधी आधी सही, लेकिन सब बराबर मिल बांट के खाएंगे। बांटो, बांटना सीखो, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो। नंबर एक, एक घर में, एक घर में एक बच्ची जो मेरे पास आया करती थी, हमारे पास तो जब भी आती ना पहले हमें धोक लगाती, और हमें धोक लगाने के बाद जितने भी बगल में बैठे रहते थे उनके सबके भी पांव छूती थी। मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा आप इतने रेस्पेक्ट से पेश आते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? सबको आप बोलती हैं, अगर आपको कोई टॉफी दे दे तो आप पहले पास में बैठे हुए बच्चे को खिलाती हैं फिर खाती हैं, आखिर इसका कारण क्या है? बोले गुरुजी इसमें कोई खास बात नहीं है, मेरे घर में सभी लोग इतने ही रेस्पेक्ट से बोलते हैं, मेरे पापा दादा सभी रेस्पेक्ट से बोलते हैं, मैं बोलूं तो कोई खास बात थोड़ी है। घर का, परिवार का यह संस्कार हमारे भीतर रहना चाहिए कि हम जब भी बोले विद क्या बोले, रेस्पेक्ट, अदब से बोलिए। नंबर एक। दूसरा स्टेप, जब भी बोले पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, जब भी बोले पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले। शोले का डायलॉग याद रखें, जो डर गया सो मर गया। शोले का डायलॉग हमेशा जिंदगी में याद रखना चाहिए, मैं महाराज बनाना तो सब कुछ छोड़ के आ गया, फिल्म में उसके बाद नहीं देखी लेकिन इस फिल्म का डायलॉग जरूर याद रह गया, जो डर गया सो मर गया। बड़ा काम आता है डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। तो इसलिए जब भी बोलो शोले का डायलॉग याद रखना, जो डर गया सो मर गया। पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए, पूरे जामबाजी के साथ बोलिए। अगर डर डर के बोलेंगे ना तो बोले कहां से जवानी नहीं निकलेगी, भीतर से जवानी निकले। ऐसा नहीं कि हम घूंगे हैं पर अंदर से निकलती नहीं है, निकलती है तो नीचे से निकलती है, ऊपर से कुछ नहीं निकलती। निकलती है तो नीचे से निकलती है, ऊपर से कुछ नहीं निकलती, क्योंकि डरा हुआ आदमी ऊपर से निकालेगा क्या? जब भी बोलो पूरे आत्म विश्वास से बोलो कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ है, मुझे घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। विश्वास, जब तक है श्वास तब तक रखो विश्वास, और विश्वास अपने आप पर, खुद पर यकीन रखो, मैं गलत नहीं होता हूं, मैं गलत नहीं बोलता हूं, गलत नहीं सोचता हूं, गलत व्यवहार नहीं करता हूं, फिर डर किस बात का? जो डर गया सो मर गया। ऐसा हुआ कि एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में कई नौकरी पाने की आशा में कई लड़के पहुंचे, तो जैसे ही एक लड़का पहुंचा इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, हाँ जी बताओ तुम्हारे शर्ट पर कितने बटन हैं? आपकी शर्ट में कितने बटन हैं? हैं? पांच है? नहीं है, देखिए ज्यादा है, गिनिए, फेल हो गए आप। कितने हैं? पांच ही है। नहीं नहीं, एक दो तीन चार पांच छह सात है, इनको पांच है, अभी तक इनको भी याद नहीं है। कितने बटन है? बटन याद नहीं है तो आगे पीछे की चीजें कहां से, अंदर कुछ पहना हुआ है कि नहीं, वो भी याद नहीं रहेगा। पूछा गया कि तुम्हारे बटन कितने हैं? उसने कहा सात। किसी के सात होते हैं, किसी के आठ होते हैं, तो सात बटन। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि जरा बताओ कि अगर तुम्हें ऑफिस निकलना है और तुमने पाया कि तुम्हारा ऊपर का बटन टूटा हुआ है, तुम क्या करोगे? उसने कहा सर नीचे का बटन खोलूंगा और ऊपर सुई धागे से हाथों ठीक कर दूंगा। बोले समझो तुम्हारा एक और नीचे से बटन खुला हुआ है, टूटा हुआ है, तो क्या करोगे? ऊपर से एक बटन और टूटा हुआ है तो क्या करोगे? बोले साहब नीचे का एक बटन और खोलूंगा और ऊपर लगा दूंगा और शर्ट को पैंट के अंदर डालूंगा। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि जरा बताओ कि अगर फिर भी तुम्हारा एक बटन और टूटा हुआ है तो तुम क्या करोगे? बोले सर इसमें चिंता की क्या बात है, शर्ट वो पुराना वाला खोलूंगा और नया पहन लूंगा। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना, कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास पूर्वक जवाब दिया गया, और जहां पर आत्मविश्वास पूर्वक जवाब दिया जाता है वहां आगे की कहानी अपने आप क्लियर हो जाती है। तीसरी बात,
तीसरा स्टेप, बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। नंबर तीन, अब अपन जो भी बोल रहे हैं हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालिए, दूसरों की प्रशंसा और तारीफ करने की आदत डालिए। जब भी बोलना हो हमेशा पीठ थपथपाते रहिए, अपना काम केवल एक ही, पीठ थपथपाओ। याद रखो, चींटी की भी अगर पीठ थपथपाओगे तो चींटी चींटी होकर के भी बड़ा भारी पहाड़ लांग जाएगी, चींटी चींटी होकर के भी बड़ा भारी पहाड़ लांग जाएगी। और काम करना है हमेशा पीठ थपथपाओ। बेटा अगर फेल आ जाए ना तब भी घबरा मत बेटा, कोई बात नहीं, फेल आ गया कोई बात नहीं, इस बार जम के मेहनत करना, जो हो गया सो हो गया, अगला साल तुम्हारा साल होगा, मैं भी मेहनत करूंगा, तुम पर ध्यान दूंगा, मन लगा के पढ़ाई करना। अब अगर वो फेल हो गया, डांटोगे भी, घर से निकालोगे भी, तो होगा क्या? वो पास तो होने से रहा, फेल तो हो ही गया है। अब अपन उसकी वापस पीठ थपथपाए, कमजोर आदमी की पीठ थपथपाओ, अपने आप पांव मजबूत हो जाते हैं। कमजोर आदमी की पीठ थपथपाओगे, पांव अपने आप मजबूत हो जाएंगे। प्रशंसा, गधा गधा होता है पर गधे की भी अगर प्रशंसा कर दो, वाह भाई वाह गधे वाह, क्या बात है गधे, तो वो भी घोड़े की तरह हिन हिनाने लग जाता है, वो भी घोड़े की तरह हिन हिनाने लग जाता है। चौथा स्टेप, जब भी बोलो हमेशा अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब भी बोलने का मौका आए, जो मन में आ गया सो मत बक देना, हमेशा अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोलिएगा, क्योंकि हमारी वाणी में ही हमारी बुद्धि की आत्मा छिपी होती है। हमारी वाणी के द्वारा ही पता चलता है ये आदमी कितना बुद्धिमान और कितना बुद्धू है। बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा ठीक ढंग से करें। एक सज्जन मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि साहब जीवन जीने का सही तरीका क्या है, कैसे मैं स्टैंडर्ड जीवन जीऊं, जीवन जीने का आप सही तरीका क्या समझाएंगे। मैंने कहा भाई ये जवाब तो बाद में दूंगा, उससे पहले एक काम करो, ये देखो मेरे पास में ये जो चिड़िया के छोटे छोटे पंख पड़े हैं ना, इन पंखों को इकट्ठा कर दो। वो झट से जो छोटे छोटे पंख पड़े थे उसने इकट्ठा कर लिया। बोले अब क्या करना है, मैंने कहा इनको ले जाकर के जो चौराहा है ना वहां छोड़ के आ जाओ। चला गया, वहां जाके छोड़ के आ गया, लौट के आया, बोले क्या करना है, मैंने कहा वो मुझसे गलती हो गई भैया, वापस जाओ और वो पंख इकट्ठे करके ले आओ। वहां पहुंचा तो उसको पंख मिले ही नहीं, चौराहे पर कोई पंख मिलते हैं क्या, सारे हवा में उड़ उड़ा के फुर्र हो गए। एक आध पंख बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढा के लाया, बोले साहब वहां तो सारे पंख उड़ गए। मैंने कहा जीवन जीने का सही तरीका जानना चाहते थे ना, यही जीवन जीने का सही तरीका है कि बोलने से पहले चार बार सोचो, क्योंकि बोला हुआ शब्द चिड़िया के पंखों की तरह होता है, निकल गया तो निकल गया, उड़ गया तो उड़ गया, उनको वापस समेटा नहीं जा सकता, उनको वापस समेटा नहीं जा सकता। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं और, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं और, वशीकरण यह मंत्र है, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। ये वशीकरण वाला मंत्र है कि जो हमेशा मिठास से बोलोगे तो हमेशा दूसरों को कलेक्ट करोगे। तो जब भी बोलो हमेशा क्या करो, संभल कर बोलो, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोलो। चलो एक छोटी सी कहानी कहता हूं, टाइम तो हो रहा है, एक छोटी सी कहानी। ऐसा हुआ एक राजा को पता चला कि अमुक आदमी बड़ा मनहूस है, कोई भी व्यक्ति उसका मुंह देख ले तो दिन भर रोटी खाने को नहीं मिलती। राजा को लगा ये आदमी लगता है ये कोई अंधविश्वास है, ऐसा होता नहीं, बोले पकड़ के लाओ। और पकड़ के लाया गया और राजा ने उसका मुंह देखा, सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का मुंह देखा और कहा कि अब इसको रोक दो, फांसी पर चढ़ाया गया। और जैसे ही फांसी पर चढ़ाने की वेला आई कि उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या, बोले मेरी अंतिम इच्छा है कि राजा और न्यायाधीश दोनों को मेरे सामने लाया जाए। अब अंतिम इच्छा का सवाल आ गया तो सबको लाना पड़ा। तो उसने कहा कि राजा ने अगर मुझे फांसी की सजा सुनाई है तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, क्योंकि राजा का आदेश है, मैं कौन होता हूं विरोध करने वाला। लेकिन
न्यायाधीश मेरा अनुरोध यह है कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, उससे पहले इस राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। न्यायाधीश ने कहा, अबे बुद्धू तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहा है? उसने कहा मुझे मालूम है। बोले राजा तुझे मार डालेगा। वो तो बोले मुझे पहले से पता है, मैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बोले कि मालूम है तू क्या कह रहा है? अरे राजा को तू कह रहा है कि फांसी पर चढ़ा दो, बताओ क्या जुल्म किया है? बोले जुल्म यह किया है कि यह मुझसे डबल मनहूस है, यह राजा मुझसे दुगुना मनहूस है। बोले किस कारण, किस आधार पर तुम ये कहते हो? बोले साहब मेरा मुंह देखा तो राजा को रोटी खाने को नहीं मिली, पर मैंने आज सुबह उठते ही इस राजा का मुंह देखा सो मुझे फांसी पर चढ़ने को मिल रहा है। जब भी संकट की वेला आ जाए, विपदा की वेला आ जाए, बाधाएं आ जाए, तब तब अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरह से पासा पलट लीजिएगा, इस तरह से अपना पासा पलट लीजिएगा। पांचवी बात जब भी बोले ध्यान रखें, कभी किसी की खिल्ली ना उड़ाएं, कभी किसी की खिल्ली ना उड़ाएं, कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि उपहास आप करेंगे कल वो आपका उपहास करेगा। आज अपन किसी की मजाक उड़ाएंगे कल कोई हमारी मजाक उड़ाएगा। इसीलिए कहता हूं कभी किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, निंदा मत करना। निंदा करने वाले भाई बहन अपनी जीभ पर नियंत्रण लाए, क्योंकि निंदा करने से अगले का पाप तो धुल जाएगा पर वो सारा पाप हमारे मथे चढ़ जाएगा। अगर हमारे द्वारा कभी भी कोई निंदा हो जाए तो भाई बहनों चतुर्दशी का उपवास करना या मत करना, एकादशी का व्रत करना या मत करना, पर जिस दिन हमारे मुंह से किसी की निंदा या आलोचना हो जाए उस दिन उस निंदा की प्रायश्चित करने के लिए व्रत जरूर कर लीजिएगा। उस दिन व्रत कर लीजिएगा जिस दिन हमारे मुंह से किसी की निंदा हो जाए। इसलिए कभी किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। हमारे यहां इंदौर में बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन कमी है, और कमी यह है कि हम लोग पीठ पीछे एक दूसरे की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। यहां पर लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, आगे तो खुद बढ़ते नहीं, जो बढ़ता है उसकी टांग पीछे खींच लिया करते हैं। मेरे भाई बहनों ये टांग खिंचाई बंद करो, कैकड़े मत बनो जो दूसरा कैकड़ा चल रहा है उसकी टांग खींच के पीछे ले आओ, मछली बनो कोई आगे बढ़ रहा है जंप लगाओ आगे और खुद आगे बढ़ जाओ। आपको आगे बढ़ने का अधिकार है पर किसी की टांग खिंचाई करने का अधिकार नहीं है, है? किसी की भी टांग खिंचाई करने का अधिकार नहीं है। ऐसा हुआ एक व्यक्ति, दो तीन व्यक्ति हमारे पास बैठे हुए थे, उसने कहा साहब पिछली दफा एक गुरुजी आए थे, सच्ची घटना बता रहा हूं सुनिएगा, साहब पिछली दफा एक गुरुजी आए थे बड़ा चमत्कार हुआ, समाज में उनके प्रवचन के बाद जीवन रखा गया था, 500 लोगों का जीवन बनाया गया, पर क्या करें साहब हजार लोग आ गए थे और बड़ा चमत्कार हुआ, 500 लोगों के लिए खाना बनाया मगर हजार लोग जीम के चले गए। बगल में बैठा था दूसरा आदमी, उसने कहा साला खाना ही ऐसा बना था कि 1500 जीम जाते तो भी बचा हुआ रहता। छठी बात, मुंह से कभी किसी के लिए गाली ना निकाले, गाली गलौच ना करें। साला कहना है तो घरवाली के भाई को साला कहें, हर किसी को साला साला ना कहें, क्योंकि यह बहुत बुरी गाली हो जाती है। पता नहीं एक ही शब्द के दो अर्थ क्यों निकल गए, एक घरवाली का भाई और एक साला। कभी किसी को गाली ना निकाले, गाली गलौच ना करें, देते गाली एक है उल्टे गाली अनेक, जो तू गाली दे नहीं तो रहे एक की एक। गाली दोगे बदले में गाली निकल कर आएगी, और गाली नहीं दोगे तो गाली वही मिट जाएगी। अंतिम बात, सातवां स्टेप, और वो है जो भी शब्द से मुंह बोलो, जो भी मुंह से शब्द बोलो, याद रखना शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही साधना है, शब्द ही पूजा है, शब्द ही प्रार्थना है, शब्द ही धर्म है, शब्द ही मर्यादा है। इसलिए अपने मुंह से कोई भी शब्द बोलो तो अपने शब्द को मूल्य दो,
और कहे हुए शब्द को, लिए हुए संकल्प को हर हालत में निभा